कड़ी से कड़ी सजा हो, उनको फांसी की सजा होना अविलंब जरूरी है। अगर सदी नहीं होगी तो यह जन आंदोलन के रूप ले लेगी। वैशाली में बहन गुलनाज को जिंदा जलाने की घटना के विरोध में अभी अपना पक्ष रख रहे थे पूर्व मुखिया नजमुद्दीन इकरा पंचायत के। जी हम चाहते हैं कि सरकार तो कहती है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, लेकिन हमारी बेटियां कहाँ सेफ हैं? जब से ये सरकार बनी है तब से पिछले पांच टर्म में भी सिर्फ हमारे बेटियों के साथ ही बेइंसाफी हो रही है और बेटियों के साथ ये कातिल उनके अब जिंदा रहते हैं और लोगों का मनोबल। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसी घटना करते हैं उनको चौराहे पे, ये नहीं कोर्ट में नहीं, उनको चौराहे पे फांसी दिया जाए ताकि आगे से ऐसा कोई कदम उठाने से पहले लोग 10 बार ये बात को सोचे। ये घटना बिहार में नहीं होती थी लेकिन ये बिहार में कदम बढ़ते जा रहे हैं। इस बात के लिए हम सरकार से ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, उन दोषियों को सजा दे और बीच चौराहे में सजा दे ताकि आगे से ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। हम उस बेटी को, ये कातिल अभी जिंदा है, इस बात के लिए हमें बहुत शर्मिंदा है। बहन गुलनाज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गुलनाज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं दोस्त राम भाई बस जी चुप पीछे देखिए हम चाहते हैं कि बेटियों के साथ बहुत बेइंसाफियां हो रही हैं और जब से ये सरकार बनी है तब से हमारी बेटियों के साथ बेइंसाफी होती जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि बेटियों को इंसाफ मिले। ये सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। अभी इलेक्शन हो के गए हैं, अभी सरकार जहाँ पे भी बात आ रही है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया और महिलाओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम, तो आज मुख्यमंत्री साहब को ये सोचना चाहिए कि जब महिलाओं ने आपको वोट देके उस तख्त पे बैठाया तो आज फिर बेटियों के साथ इंसाफ क्यों नहीं। मैं कहना चाहती हूँ इसके माध्यम से, लोकसभा में हमारी बहुत महिलाएं जीत के गई हुई हैं, एमपी का एमपी बनी हुई हैं। मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आपको जनता ने वोट दिया, आपको उस पद पर पहुँचाया, आप लोकसभा में हो लेकिन आप हमारी आवाज़ नहीं उठा रही। आज हमारी बेटियों के साथ बेइंसाफी हो रही है, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा और सरकार को ऐसे मुजलिमों को बीच चौराहे पे फांसी दे ताकि आगे से ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। बहुत जघन्य घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और बिहार के जो शासन में है, जो प्रशासन है, बहुत बड़ा लापरवाही बरते हैं। ऐसे जो अपराध कर्मी आज भी छुपे हुए हैं, इक्के दुक्के को पकड़ते हैं और प्रशासन अपनी अप्रोच लगा के उसे छुड़ा लेते हैं। हम सबों का मांग है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे, फांसी की सजा दे ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठा सके। बहन गुलनाज के साथ जो भी हुआ हम लोग बहुत ही दुख हैं उस बात से, और हमें बिहार सरकार से हम यही कहेंगे कि आप राजनीतिक की दुनिया को छोड़ के आप समाज सेवी की दुनिया में अगर आएंगे तो आपको आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी फुप्पी, आपकी दादी की चेहरा नज़र आएगी। जब आपको पता चलेगा कि आज बहन गुलनाज भी किसी की माँ, बेटी, बहन होगी। आज जो बहन गुलनाज के साथ दुष्कर्म व्यवहार हुआ, जो आज उनके हथियारों को सजा नहीं मिल पा रही है, या बहन गुलनाज को जला करके, एक तो उनके साथ गलत व्यवहार करके उसके बाद उसको जलाना, ये हमारे देश में आम हो गया है। तो हम जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन सरकार से हम अपील करेंगे कि ऐसे जुल्म को रोकिए ताकि जिससे कल चल के आज बहन गुलनाज की बारी है तो कल नीतीश कुमार की बेटी के साथ भी बारी हो सकती है, कल हमारी बहन के साथ भी हो सकती है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि ये जुल्म जो हो रहा है, चार आदमी जो कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग समाज सेविक से दूर करें और हम लोग उससे बचें, ताकि ये चीज़ दूर तभी होगा जब हमारे सरकार या प्रशासन जुल्म करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देगी, यानी कि फांसी या जो भी उनका सजा मुकर्रर किया जाएगा उसको अगर सजा मिल जाएगा तो शायद जुल्म करने वाले कुछ हद तक के लिए डरेंगे और ऐसे जुल्म करने से बचेंगे और ऐसा दुर्व्यवहार हमारे इलाके में नहीं होगा।
ये काफ़ी निंदनीय घटना है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन ऐसे जो हम तो कहना चाहेंगे कि ऐसे जो अपराधियों को न कोर्ट न पुलिस, इसका सीधा ऑन द स्पॉट इसका फैसला होना चाहिए। बीच चौराहे पे इसको बीच से फाड़ देना चाहिए और इस्लामिक कानून भी ऐसा कहता है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा घटना करने से पहले उसको कई बार सोचना पड़े ताकि वो भविष्य में ऐसा घटना हमारी माँ बहनों के साथ कभी ना हो। हम प्रशासन से और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो रेपिस्ट है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मामा आप यहाँ आइए। जो घटना हुई है दो तीन दिन पहले, उससे पहले भी यूपी में भी हुआ है, यूपी में हुआ है, उसके बाद आज बिहार में हो रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार है। ये लोग नारा दिए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज उनके खिलाफ बेटी किन से बचानी है, लोगों से, सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे बेटी बचाने की ज़रूरत है, हमारे समाज के लोगों से बेटी बचाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन के लोग आज के डेट में अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को, जो अपने क्वालिटी के ऊपर उसका सिलेक्शन हुआ है, आज उसका दुरुपयोग कर रहा है प्रशासन के लोग। और सिस्टम में जो मंत्री बैठे बने बैठे हैं, जो अपने पार्टी के बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, जो आज हमारे समाज में नेता बनते हैं, तो वो सत्ता के साथ जाते हैं, समाज के साथ खड़ा होने का काम नहीं करते, जो कि न्यायतिक गलत है। आप हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के लोगों के साथ खड़ा हो जाइए। अगर हमारे समाज के साथ नेता खड़ा होंगे तो यकीनन, मुझे यकीन है, हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरीके का जुल्म नहीं हो सकता है। मैं गुजारिश करता हूँ सत्ता के लोगों से और प्रशासन के लोगों से, जितने भी बैठे हुए लाचार लोग हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन में लोग बैठे हुए लोग, ये सिस्टम करप्ट सिस्टम के लोग हैं, इस सिस्टम को बर्बाद करके रखा है सत्ताधारी लोग।